राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अगले प्रतिभागी हैं देवभूमि उत्तराखंड से रोहित सिंह रावत। जब देश खोखली आजादी के जश्न में सोया था, तब रातों जगकर एक सरदार ने अखंड भारत का संकल्प बोया था। 562 बिखरी हुई रियासतों को कुछ यूं निखारा था कि आत्मसंदेह के अवशेषों को जोड़कर आज विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत को उभारा था। अगर ना होता वो सरदार तो ना जाने इस ऋषियों की धरती से क्या क्या छिनता था, और स्वयं को एकता का आदर्श कहने वाला ये देश आज भी बैठकर अपने टुकड़े गिनता था। खंड खंड बिखरे भारत को एक ध्वजा के तले समेटा था वह, और कोई नहीं लौह पुरुष इस धरती का निष्कपट बेटा था। नमस्कार, पहला चार धामों के गढ़ कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए और नेहरू युवा केंद्र नैनीताल का आभार व्यक्त करते हुए मैं रोहित सिंह रावत आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों संग प्रस्तुत हूं। 31 अक्टूबर 1875 नदियात गुजरात में पैदा हुआ एक आम आदमी वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल को उनके संकल्प, दृढ़ता और स्वार्थ रहित व्यक्तित्व ने भारत और हर भारतीय के लिए सरदार पटेल बना दिया। वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के अवसर को अपने भाई के लिए त्यागने से लेकर भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री की कुर्सी के त्याग तक पटेल साहब का जीवन कर्तव्य निष्ठा की जीती जागती उपमा रहा। कथन को यथार्थ करना मानो पटेल साहब के लिए एक अभिन्न अंग था। पटेल साहब का मानना था कि इस देश का हर एक युवा इस देश में चल रहे हर एक कार्य में अपनी भागीदारी निभाए। अगर पटेल साहब के लिए कहा गया कि हिमालय सा अडिग वो, गंगा सा सरल, लौह सा तीव्र वो, गंगा सा शीतल, ये सभी पटेल साहब की चरित्र की विशेषताएं रही। अपना कर्तव्य ही पटेल साहब के लिए सबसे उच्चतर था। अगर पटेल साहब ना होते तो यह देश आज 28 राज्य नहीं बल्कि 562 टुकड़े होते। अगर पटेल साहब ना होते तो अखंडता नहीं अव्यवस्थता होती। अगर पटेल साहब ना होते तो यह देश आज जहां पर मैं खड़ा हूं, यह 130 करोड़ भारतीयों का भारत देश नहीं बल्कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर की बंजर धरा मात्र होती। यह देश जहां 56 प्रकार के भोग बनते हैं, जहां एक दिन में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जहां कोस कोस पर वाणी बदले चार कोस पर वाणी, ये इस देश के लिए सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से इस देश को अखंड करना असंभव होता। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहूंगा कि जो है अटल, जो है प्रखर, जो दया धर्म का धाम है, जो एकता देश प्रेम का नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश का सम्मान है, आभार है, धन्यवाद।